गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टाटा पंच में आने की वाली ये ग्लव बॉक्स के बारे में, जो कि कूल ग्लव बॉक्स है। चेक करेंगे ये ठंडा करता है कि नहीं, अभी तो ये गर्म है। तो अब हम एक बोतल को इसमें डाल देते हैं। तो ये आपको इसमें एक वेंट मिल जाता है जिससे कि आप अंदर का एयर फ्लो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से हम अपना एसी को ऑन कर लेते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो अगर आप इधर पूरा इसको ऐसे कर दे रहे हैं, लेफ्ट की तरफ पूरा कर दे रहे हैं, तो ये एयर फ्लो इसका बंद है। और इसको अगर ऐसे इधर राइट की तरफ अगर पूरा कर रहे हैं तो इसका एयर फ्लो आना शुरू हो गया है। तो हम एक बोतल रखते हैं और चलिए चलते हैं। अभी हमारा यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:13। अब हम इसको चेक करेंगे 15 से 20 मिनट के बाद और देखेंगे ये कि कितना ठंडा होता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए टाटा पंच से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ ये भाई ने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब 1:33 हो गया, यानी कि 20 मिनट हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं अंदर का कंडीशन। बोतल तो थोड़ा ठंडा हो गया है, अगर आप ऐसे नॉर्मल बोतल रखेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगी। और यहाँ अंदर का टेम्परेचर का बात करें तो काफ़ी ठंडा हो गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए टाटा पंच से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।